हाय दोस्तों, अभी जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं विकास बरनवाल प्रॉपर्टी प्लाजा से, वो प्रॉपर्टी है 2 BHK का फ्लैट है। ये जैन इनक्लेव, ये प्रोडक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है, और डेवलपर हैं कोनार्क एंड शक्ति डेवलपर का जॉइंट वेंचर में ये बना रहे हैं। 9 माले का बिल्डिंग है ये। ये इसका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है, क्रॉस वेंटिलेशन टाइप का इन्होंने दिया हुआ है। ये एक नीचे छज्जा आपको मिलता है, ये आपको क्रॉस वेंटिलेशन आपको देख सकते हैं, इधर से भी एक विंडो मिल रहा है, तो आपका हवा और उजास बना रहेगा दो साइड से। ये सामने आपको डाइनिंग का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, और किचन आप देखें तो डाइनिंग से अटैच्ड किचन है। वास्तु को बहुत अच्छा इन्होंने ध्यान में रखा हुआ है। ये इसका किचन है, ये बोरीवली वेस्ट में आता है, ये एक्सएल रोड। इसमें 1 और 2 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी है। स्पेस काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, आप देखें तो कारपेट एरिया का बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है, और यहाँ से जब आप लेफ्ट लेते हैं तो आपको ये कॉमन वॉशरूम मिलता है। कॉमन वॉशरूम में अलग से एक जगह दिया हुआ है जहाँ पे आप कुछ AC के आउटडोर वगैरह रख सकते हैं। अभी मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ कि बेडरूम का पैटर्न कैसा है। ये इसका कॉमन बेडरूम है, ये कॉमन बेडरूम का स्पेस है। 6x6 का बेड डालने के बाद भी आपको साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल का जगह मिल जाता है। इसमें भी आपको छज्जे की फैसिलिटीज़ मिल रहा है। ये बेड के साइज़ से आप देखें तो आपको ड्रेसिंग टेबल, स्टडी टेबल का जगह काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल रहा है। अभी मैं एक आपको कॉमन बेडरूम दिखाया, अब मास्टर बेडरूम में दिखाता हूँ कहाँ पे है। फिर से हॉल में आते हैं, हॉल में जो मेन डोर है, मेन डोर को के बगल में जस्ट इसका दूसरा बेडरूम आपको मिलता है। ये इसका दूसरा मास्टर बेडरूम है। यहाँ से मास्टर बेडरूम में जब आप एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही आपको वॉशरूम मिल जाता है। इसमें बाथ एरिया को ग्लास लगा के उन्होंने कवर किया हुआ है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर, बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये इसका मास्टर बेडरूम है, इसमें भी आपको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दो साइड विंडो दिया हुआ है। एक तो आपको इस तरफ का विंडो देखने को मिल रहा है, दूसरा आपको ये क्रॉस वेंटिलेशन का ना फ्लैट्स के अंदर बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्स रहता है। अगर ईस्ट का फ्लो है हवा का तो आपको वेस्ट में वो हवा पास हो जाता है, और वेस्ट का है तो ईस्ट में पास हो जाता है। इससे क्या घर के अंदर एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब्स बना रहता है, और बेडरूम का स्पेस काफ़ी बढ़िया है। वो तो आप साइज देख के पता कर चल रहा होगा कि सामने वार्डरोब का जगह है, वार्डरोब का स्पेस है। और अभी मैं आपको 1 BHK दिखाता हूँ इसका किस टाइप का है। ये तो मैंने आपको 2 BHK का लिविंग डाइनिंग वगैरह दिखाया। ये इसका बीच का पैसेज है, 2 हाई स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है, और ये स्टेयरकेस है। 1 फ्लोर पे 3 फ्लैट है, 2 फ्लैट इस तरफ है और 1 फ्लैट इस तरफ है। ये यहाँ से आप 1 BHK स्टार्ट होता है, और ये आपका लिविंग डाइनिंग एरिया है। इसमें भी आपको एक छज्जा मिलता है हर एक रूम्स के बाहर, हॉल बेडरूम वगैरह सब में, और डोर के बाजू में ही जस्ट आपको कॉमन वॉशरूम मिल रहा है। और अभी मैं किचन और बेडरूम आपको दिखाता हूँ किस टाइप का है।
नो वेस्टेज किया है इन्होंने, पैसेज वगैरह सब कुछ कहीं बनाया ही नहीं है, डायरेक्टली हॉल से ही तीनों को एंट्री दिया है। तो आपको पैसेज का एरिया पूरा कारपेट एरिया आपको किचन और बेडरूम को मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल मेन रोड एक्सर रोड जो है वहाँ पे बनाया हुआ है बिल्डिंग, ये इसका किचन। और अभी मैं मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ कि उसका एक्सेस कहाँ से दिया हुआ है। ये जो एंट्री आप देख रहे हैं ये इसका मास्टर बेडरूम का एंट्री है। मास्टर बेडरूम का एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम मिल जाता है। इन्होंने ब्यूटीफाइड टाइल्स और ग्रेनाइट में काम किया है। और अंदर जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये इसका मास्टर बेडरूम है। ये भी आपको रोड फेसिंग मिल रहा है। ये आपको रोड फेसिंग मिल जाता है। तो ये 2 BHK एंड 1 BHK का मैंने आपको फ्लैट दिखाया। अभी बाकी का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ख़रीदने के लिए हमें फ़ोन करें दोस्तों, डिटेल भी जानना हो तो भी आप हमें फ़ोन करें, और कुछ डिस्क्रिप्शन में से सारा डिटेल रहेगा इसमें। ये जैन एनक्लेव का आउटर एलिवेशन है, आप देख सकते हैं पूरा बिल्डिंग रेडी है, बस ये पोजीशन होने वाला है। और ये एक्सर रोड है बोरीवली वेस्ट में। मैं थोड़ा शाम के टाइम वीडियो ले रहा हूँ तो आप समझ ही सकते हैं। बाकी इसका ये एंट्रेंस मेन एलिवेशन है, बिल्कुल ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर इसका कमर्शियल रहेगा।